वेल गाइस, तो फाइनली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW का वॉर टैग टीम चैंपियनशिप मैच ओवर हो चुका है। अभी तक AEW का ऑल इन पेपर व्यू नहीं देखा है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के वॉर टैग चैंपियन FTR, AEW का टैग टीम चैंपियनशिप, AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन यंग बस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर आज हमें FTR और यंग बस के बीच में बैक एंड फोर्थ करीबन 25 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर मैच के ओपनिंग के ऊपर यंग बस इस मैच को काफी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते गए। और गाइज यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर यंग बस इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए, बट गाइज इसके बाद जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता है FTR इस मैच के अंदर उनका कंट्रोल लेती गए। और गाइज इसके बाद आज AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर यंग बक्स और FTR के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर यंग बक्स FTR के ऊपर मल्टीपल सुपर की हिट करते गए। और गाइज यंग बक्स के VTE ट्रिगर के साथ यंग बक्स लगभग इस मैच को जीत गए होते गए, बट गाइज यही एंड मौके के ऊपर हमें यहां पर डैक्स शेरवुड को कॉक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की आज AEW के ऊपर फाइनली मैच के एंडिंग पर FTR उनका फिनिशर सैटर मशीन हिट करते गए। और गाइज FTR के फिनिशर के साथ FTR यंग बस को बीट करके AEW के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद FTR यंग बस को हैंडशेक ऑफर करती गए, बट गाइस यंग बस FTR का हैंडशेक नहीं करते गए।